भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कर्फ्यू 1 जून तक रहेगा। अभी 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था। इसके निर्देश शनिवार को कलेक्टर अवनीश लवानिया ने जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि भोपाल नगर निगम और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू 24 मई सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 1 जून की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान बिना कारण किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल राशन एवं खान पान की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तक आने जाने की अनुमति होगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ओल्ड भोपाल के मार्केट में चाहे वो गोल्ड को ले लें, कॉस्मेटिक ले लें या कपड़ों की दुकानें, वहाँ पे एजेंट तय कर दिए हैं कि 10% लाके वो शटर खुल के अभी भी वहाँ पे सामान बिक रहा है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान खुलने की अनुमति नहीं है, ना खुलने दे रहे हैं। यदि कोई भी अपना प्रतिष्ठान खुलने का प्रयास कर रहा है तो उन पर 188 की कार्रवाई भी होगी और इसमें कानूनी कार्रवाई भी होगी। ब्लैक फंगस के लिए सर्वप्रथम तो हमीदिया में उपचार के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अधिकांश पेशेंट्स को हम लोग वहीं हैंडल कर रहे हैं, पर प्राइवेट में भी पेशेंट्स हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए जो मेडिसिन की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार सतत प्रयासरत है। निरंतर जितनी डिमांड है लगभग उतने इंजेक्शन सरकार निरंतर एक्वायर करती जा रही है। इसमें जैसा कि जानकारी में आया है कि इम्पोर्ट के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से भी प्रयास किया जा रहा है जिससे कि इनकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। अब ये देखिए, स्पेसिफिक नंबर्स जानने से भी कोई औचित्य नहीं है। पॉइंट इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लैक फंगस के मामले में भी जो हमने सभी ENTs को भी सजेस्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जिसको जो कि प्री डायबिटिक रहा हो या जिसका रिसेंटली कोविड में इलाज हुआ हो, ऐसी कोई भी परेशानी महसूस होती है तो उनको इमीडिएटली अपनी एंडोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए जिससे कि हम इसका अर्ली डिटेक्शन कर सकें। जो कोरोना कर्फ्यू है उसको एज इट इज़ 31 तारीख की तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि हम सब लोग देखें तो जहाँ अपने राज्य की पॉजिटिविटी दर जो है वो 5% के आसपास आ गई है, लेकिन भोपाल की पॉजिटिविटी दर अभी भी 9-9.5% के आसपास होवर कर रही है। केसेस की संख्या कम ज़रूर हुई है, लेकिन आज की डेट में भी भोपाल में 600 से 650 केसेस रोज़ आ रहे हैं। यदि हम पिछली लहर की बात करें तो तब इतना पीक भी हमारा नहीं गया था जितने केसेस अभी हमारे आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग ये नहीं मान सकते कि संक्रमण की जो स्थिति है वो ख़त्म हो गई है या अब कोरोना कर्फ्यू को खोलते हुए सभी लोगों को नॉर्मल दिनचर्या की अनुमति दी जा सकती है। अभी हमारा प्रयास यही रहेगा कि सख्त लॉकडाउन लगाते हुए, सख्त कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराते हुए हम ये कोशिश करें कि मई के अंत तक हम जो संक्रमण की दर है इसको और कम कर लें और ऐसी स्थिति में आ जाएं जिसके बाद ग्रेडेड मैनर में जब ये कोरोना कर्फ्यू खुले तो भी हमारे जो केसेस की संख्या है वो अत्यधिक ना बढ़ पाए। तीसरी लहर आ रही है उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तीसरी लहर की बात भी बहुत स्पष्ट है। इसके लिए दो अलग अलग विषय हैं जिन पर तैयारी करने की आवश्यकता है। एक विषय तो निश्चित है कि यदि दोबारा किस प्रकार से केसेस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो और व्यवस्थाओं की कमी ना हो। उसके लिए व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर कर सकते हैं उन पर तमाम प्रकार के कार्य चल रहे हैं, चाहे फिर वो उसमें ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना का कार्य हो, बेड बढ़ाने का कार्य हो, एडिशनल वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने का कार्य हो, मेडिसिन का कार्य हो। ये तमाम काम तो सरकार की तरफ से एक साथ चल ही रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो है जिससे कि हम थर्ड वेव को आने से या पुनः संक्रमण के केसेस को इतना ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं, वो महत्वपूर्ण काम है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कि जब हम लोग अपना कोरोना कर्फ्यू खोलें, आगे बढ़ें, तब भी लोगों का जो व्यवहार है बाहर निकलने के बाद, उदाहरण के लिए मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको करने पड़ेंगे, तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि दोबारा केसेस इस प्रकार ना बढ़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।